हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप खुश होंगे। और अब भी एक दिन के रेस्ट के बाद आज मैं बैक टू माय वर्क, मैं प्रैक्टिस से वापस आया हूँ। कल ही मैं कैंप से आया था, तो कल मैंने प्रैक्टिस का कर लिया पूरा रेस्ट। और 5 बजे का मेरा प्रैक्टिस का टाइम था और सुबह 5 तकरीबन हो चुके हैं। हमेशा की तरह लेट आज भी, तो 10-15 मिनट ज़्यादा लेट है। तो शाम का जो मेरा प्रैक्टिस का शेड्यूल है वो आप सभी लोगों को दिखाता हूँ। ताला बंद कर दिए भाई। पवन, ये जो आप एक दिन का रेस्ट लेते हो बीच में, ये क्यों लेते हो? आप रेगुलर प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई जो भी कैंप से मैं इंडिया कैंप से आया हूँ ना, वहाँ पे ना हार्ड प्रैक्टिस हो रही थी, काफी हार्ड प्रैक्टिस करा रहे थे, तो बीच में ना मसल्स टाइट हो जाती हैं, तो उनको रेस्ट भी चाहिए होता है, इंसान को भी रेस्ट चाहिए। तो एक दिन का रेस्ट मिलने के बाद बॉडी है वापस पंप कर दिया, तो जिससे सही मतलब कि क्या नाम परफॉर्म करने में ज़्यादा बेनिफिट रहता है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेडियम का शेड्यूल कि क्या रहता है। रस्सी जो करो, रस्सी से कितनी भी थकावट हो रही है, थकावट के बाद भी पूरी की पूरी रस्सी पे रहना, उससे भी शरीर में रिलैक्स नहीं होता, उससे भी शरीर में पूरा का पूरा रिलैक्सेशन मिल रहा हमारे लिए। ये पीछे हुआ के वाले दोनों मतलब में पूरा काम करेंगे। अपने कबड्डी बेनिफिट है जी, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है। आपको हर कोई एक्सरसाइज हो, कोई सी एक्सरसाइज इसी में इसका और ज्यादा बेनिफिट, इसमें इतनी पावर होती है। अगर इसमें स्पीड वाला हुआ है जैसे हमारा फुटवर्क काम आगे पीछे ये करते हैं, इसमें दूसरी हम ये वाली स्पीड ये और भी ज्यादा स्पीड में स्पीड एजिलिटी वगैरह में डेवलप करेंगे। चलो भाई, ये कुछ 1 मिनट का है, 1 मिनट में कौन कितनी ज़्यादा कर, तो थोड़ा कंपटीशन बनाए रखेंगे। बाकी मेरे तो स्पीड है वो ही, तुम्हें देखता हूँ भाई, रेडर में भी स्पीड गए हूँ, इसमें तो राय दूंगा। स्टार्ट। Stop.
भाई पवन कितनी हुई आपकी? मेरी 162। और भाई मोहित आपकी? मेरी 171। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। भाई पवन के ज्यादा मैं भी काउंट कर रहा हूं, मैं स्पीड तो मार ही तेरी कर क्या रोड़ी कर क्या तेरी कितनी है टिकट? 157 तेरी छोटू मेरी 60 ये ऐसे ही वेरी गुड अगेन 1 minute start 30 seconds या 30 seconds की कराऊंगा इसके 30 seconds कराएंगे 30 seconds तो ये रोली करा कोशिश की गिन आज मैं अभी गिन लूँगा गिन लिया बस आप ठीक है मैं count करूँगा रोली करता पावे पावे नहीं 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 सराह और निकलना मैं ready start भाई मेरी हुई है 52 भाई तेरी मोहित 45 भाई ईव का सही कैमरे में कोड होती कोते भी बैठा गया साता तो मार दिया दे अब भाई एक 70 meter का स्प्रिंट था और एक 50 meter का था तो इसने जो स्टेयर का वर्कआउट था उसमें तो करी इसने चीटिंग अरे स्प्रिंट के बारे में ठहर गया यार तुमने देखा अभी वन साइडेड पेला है इसका सबूत ये मोहित भी है विनर कौन विनर है तो भाई एक तरफा पेल दिया है विनर रोड़ी है रोड़ी करके जीत जाए जे जाऊँ बाकी मैं जीतना जीत जाऊँ का अच्छा ही पड़ा है देखा वो भाई आपने वीडियो में भी मैं भाई ये 10-20 meter का मैं मकने जीतना चाहता है बोला मैं जीते रहूं लंबे स्प्रिंट 50-100 meter के
जितने छोटे शटर हैं उतना ही फालतू जोर लग गया भाई कि कोच साहब तो मना करा दे फिर भी कोच साहब ने लास्ट ये कर लो कोच साहब ने फिर आधी में जोर लग गया पूरा क्या सुपर आई मैं थक लिया यार सही बता भारी मैंने नींद ये तो बोल रहा मैंने कई को घुमाते एक वीडियो देखी वाह आ रही है जो घुमाते की है इंट्रो में तो भाई वर्कआउट जैसा कि भाई अपने ग्राउंड का पहला दिन था तो वो हो चुका है ख़त्म तो मोहित अब बोल रहा है मैच के लिए बास्केटबॉल में दो दो हैं हम प्लेयर तो देखते हैं भाई हाफ कोर्ट में कौन कौन जीतता है भाई दबे रूल को तो हम चारों में धंधे निकालते किसी ने बिना बिना रूल का ठीक है पर जो बास्केट करेगा उसे इसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो जीतेंगे कटोरी के उपर ले कदी सेम डिटो 30 सेकंड का डिप्स का चैलेंज है कि 30 सेकंड में कौन सबसे ज़्यादा डिप्स करेगा बाकी मतलब 12 कब्जे हैं ये तो कर लेगा ये वर्कआउट का लास्ट है क्योंकि बास्केटबॉल वगैरह सब कुछ खेल लिए तो लास्ट है इसमें देखो भाई 30 सेकंड में किसके ज़्यादा होंगे कौन जीतेगा तो स्टार्ट कर लिया भाई तू है 1 2 3 स्टार्ट लास्ट 10 सेकंड लास्ट 5 4 3 2 1 भाई 30 सेकंड में कितने डिप्स तुम्हें थे 40 कुछ ना बाड़ा 50 के राउंड थी भाई मेरी बाकी गिनी को ना जो लास्ट की 10-5 सेकंड कही थी बाकी इसकी भी हो रही होंगी 50 क्योंकि बराबर मान ला रहेगा वीडियो में चेक करके बताऊंगा कितने देर फोन जीतता था। हेलो गाइस तो आज का हमारा जो लाइट वर्कआउट था तो फिनिश हो चुका है तो वर्कआउट जो हमने किया है लाइट वो मोहित और मोहित सहरावत के साथ में किया है तो भाई कैसा वर्कआउट था मोहित आज बहुत अच्छा रहा अपना वर्कआउट आज का भाई
चल बास्केटबॉल में तू बराबर कंपटीशन दे गया। हाँ भाई मोहित, बहुत मजा आया भाई पवन भाई के साथ करने में आज। ये अपना भाई टिकटॉक सस्ता ये भाई अपना ये सस्ता टिकटॉकर है, इसने भाई लाख फॉलोअर कर लिए थे अपने अपने सस्ती वीडियो बना बना के। सस्ता टिकटॉकर है अपना, सस्ता टिकटॉकर के नाम तो इसने हम जाना है। तो हमारा वर्कआउट हो चुका है फिनिश, तो इसी के साथ करते हैं पैकअप।